सो फ्रेंड, जैसे आप देख सकते हैं हम सीतामढ़ी पहुंच चुके हैं और सबसे पहले आपको भव्य द्वार मिलेगा जहां श्री रामचंद्र का अश्वमेध का घोड़ा रथ दिखेगा आपको यहां से। और यहां से सीता हम 1 किलोमीटर दूरी पर सीता समाधि है और वाल्मीकि आश्रम है का। आइए चलते हैं। सो ये जो आप पीपल का पेड़ देख रहे हैं, यहाँ श्री रामचंद्र के घोड़े को जिसे अश्वमेध के घोड़े के नाम से जानते हैं लव कुश ने यहाँ पर इसको बंदी बना रखा था। और ये आगे जो देख रहे हैं गंगा जी, यहाँ पर माँ सीता स्नान करने के लिए आती थी। आइए अब वाल्मीकि आश्रम की साइड चलते हैं जहाँ लव कुश का जन्म हुआ था। ये वाल्मीकि जी की जटा है क्या? वाल्मीकि जी की तपस्थली है। तपस्थली हाँ। एमिन जहाँ बैठते थे वो? हाँ, यहाँ पे बैठते थे, तपस्या करते थे। अच्छा, लव अकुश रहते थे। भैया ने बताया ना कि ये बरगद का पड़ी बरगद कहाँ झुक कर ना। ये सीता जी बैठती थी? हाँ, एक ही था। अच्छा, इसका और उसका दोनों का? लव और कुश का यही जन्म हुआ था। सो फ्रेंड, ये अब जगह देख सकते हैं यहाँ लव कुश खेलते थे और सीता माता भी बैठती थी और यहाँ पर ही उनका जन्म हुआ था। यहाँ पर हनुमान जी को बंदी बनाया था। बंदी बनाया था लव कुश ने। लव कुश ने, लव कुश का ये जन्म स्थान ही है। ये जन्म स्थान है, इसी कब में पैदा हुआ था लव कुश। ये जन्म स्थान है। अच्छा, लक्ष्मण भैया ने सीता माता को जंगल में छोड़ा था। सीता माता गंगा स्नान करके शिव जी की पूजा करती थी। अच्छा, गंगा स्नान करने के बाद ये पूरे एरिया में लव कुश खेलते थे। यही पले बड़े, यही पे शिक्षा हुई। कौन सा घोड़ा? अश्वमेध। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़े थे, भगवान राम जी ने छोड़ा था। अयोध्या। वाल्मीकि आश्रम। सो फ्रेंड, जैसे आप देख सकते हैं ये वाल्मीकि आश्रम हैगा और इसमें सीता माँ की रसोई भी हैगी और यहाँ पर सीता माता की, वाल्मीकि जी की, रामचंद्र की सबकी प्रतिमाएं मूर्तियां हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं, उनके दर्शन भी करते हैं। ये देखिए जय बजरंगबली और माँ सीता भी हैं यहीं पर एक मंदिर में। और एक मंदिर में वाल्मीकि जी, लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी और लव कुश भी हैंगे। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये माँ सीता की रसोई है कि माँ सीता यहीं पर खाना बनाती थी। बताना यहाँ पे जो लक्ष्मण भैया
यहाँ पे वाल्मीकि ने बैठ कर रामायण का रचना किया था और सीता माता में आगमन था। और तुलसीराज ने कवितावली में बोला था कि जो भी इसका दर्शन करेगा वो पुण्य के भागी बनेगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, क्या बात है, क्या बात है, इसका चरण है वाल्मीकि का, सीता माता का, रामायण। सो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आप सबका सपोर्ट चाहिए प्लीज़।